बिल्कुल विशाल, और जो पार्टी के सीनियर नेताओं ने सवाल उठाए हैं, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस दफ्तर में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कुछ देर बाद। अभिषेक मनु सिंह भी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो पार्टी ने जो सवाल उठाए, पार्टी के जो सीनियर नेताओं ने सवाल उठाए हैं उन पर ऑफिशियल बयान देंगे, ये हमें जानकारी मिली है। कुछ देर में अभिषेक मनु सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विशाल कि देखिए, जो लोग उस मंच पर हैं जम्मू में, उनमें हर नेता का 3 से 4 दशक का नाता रहा है, कांग्रेस का नाता रहा है, कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। आनंद शर्मा की बात कर लीजिए, गुलाम नबी आजाद की बात कर लीजिए, कपिल सिब्बल की बात कर लीजिए। तभी तो ब्रह्म प्रकाश ये बात और हैरान करती है कि जिनका 3-3, 4-4 दशक का अनुभव है, उन्हें भी पार्टी के भीतर बोलने के लिए क्या कोई फोरम, क्या कोई मंच नहीं मिल रहा जो उन्हें लोगों के सामने आकर ये बातें कहनी पड़ रही। देखिए, ये नेता बहुत पहले से विशाल सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन पार्टी के जूनियर नेता जो 10 जनपद के करीबी रहे हैं, जो पार्टी हाईकमान के नजदीकी अपने आप को बताते रहे हैं, वो सीनियर नेताओं की बात को झिड़क देते थे, काट देते थे, इससे अपमानित महसूस किया कई बार पार्टी के सीनियर नेताओं ने। आप देखिए, जब 23 नेताओं ने पत्र लिखा था, इन्हीं नेताओं ने कहा था कि पार्टी संगठन के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, पार्टी का कोई आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष चुनाव से नहीं चुना गया है, अभी सोनिया गांधी भले ही संभाले हूं कार्यभार, लेकिन चुनाव की बात की गई थी, उसको भी जब कार्य समिति की बैठक की गई तो इन्हीं सीनियर नेताओं को खरी खोटी सुनाई गई उस बैठक में, जिससे ऐसे पार्टी के अब सीनियर नेताओं को लगने लगा है कि जब भी वो पार्टी के भले की बात करते हैं, पार्टी में सुधार की बात करते हैं, तब उन्हें ही उसके लिए बातें सुननी पड़ती हैं। यही वजह है कि जम्मू में जिस मंच पर ये नेता जुटे हैं, वहां से संकेत दिया गया है पार्टी को कि समय है, समय रहते अगर पार्टी नहीं संभली तो पार्टी आगे बहुत मुश्किल स्थिति में पड़ने वाली है। आज जो नेता जुटे, अब मुख्य मांग क्या है, मकसद क्या है, क्या बदलाव चाहते हैं पार्टी में, कोई रोडमैप है क्या? देखिए पार्टी के वरिष्ठ नेता बार बार कहते रहे हैं कि संगठन के चुनाव हों, क्योंकि जो बहुत समय से पेंडिंग है, पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव हो, जिसको लेकर राहुल गांधी ने, देखिए पहले 1 साल तो इसी बात पर ये पद खाली रहा कि राहुल गांधी को सब कोशिश कर रहे थे कि वो दोबारा अध्यक्ष बने, लेकिन वो बनना नहीं चाहते थे। बाद में फाइनली ये हुआ कि सोनिया गांधी ने अभी स्वीकार किया कि अंतरिम तौर पर वो अभी रहेंगी जब तक चुनाव नहीं होते हैं। लेकिन अब आप देखिए, बीते 3-4 महीनों में कोशिश क्या हो रही है कि जो 10 जनपद के वफादार हैं वो फिर से पार्टी में माहौल बनाने लगे हैं कि राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बने। तो पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, जो कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक मजबूत नेतृत्व हो, मजबूत लीडरशिप हो, उनको लगता है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, कांग्रेस का आधार लगातार खिसक रहा है। आप देखिए, साउथ के जिन राज्यों में पार्टी बची थी उनमें भी पार्टी की सरकार गई, और नॉर्थ इंडिया में कमजोर हुई है, यही कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं। और कांग्रेस के नेता राज बब्बर ने ग्रुप 23 को गांधी 23 बताया। सुनिए, मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, मेरे बहुत सारे सीनियर जो यहां बोलने वाले हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, चकल्लस बहुत होंगी, होने दीजिए। अभी यात्रा आजाद साहब की खत्म नहीं हुई, अभी तो आधी भी नहीं हुई है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए आप एक एक शख्स का, एक एक गांधीयन का और एक एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का साथ की जरूरत है। हम आपके साथ हैं। राजू किरनी, राज बब्बर साफ तौर पर कह रहे हैं गांधी 23 है और अब कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के साथ की जरूरत इन्हें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब आज यहाँ पे ये सम्मेलन हुआ, ये जो पार्टी का जो है, ये जो एक शांति सम्मेलन जो हुआ है, और जिस तरीके से महात्मा गांधी को इस सम्मेलन में जो है, उनके ग्लोबल गांधी फैमिली जो है, उसको जो है यहाँ से उस प्लेटफॉर्म को यूज किया गया है, और इसमें साफ से जाहिर है कि पार्टी जो है, कांग्रेस के नेता जो है, वो चाहते हैं कि ये पार्टी की कला जो है, अगर ये खत्म होती है पार्टी में, अगर संगठनात्मक चुनाव होते हैं तो पार्टी तभी ही उसे जो है कांग्रेस मजबूत हो पाएगी, नहीं तो कांग्रेस जो है, जिस तरीके से कांग्रेस में इस समय चल रहा है, वो सारा चीज सही नहीं है। और कांग्रेस जो है, हालांकि सामने तौर पर उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही है, लेकिन सीधे सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर नेताओं की इसी तरह से जो है उनको इग्नोर किया जाएगा, साइड लाइन किया जाता रहेगा, तो कांग्रेस जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने मार्ग से जो है भटकती जाएगी, तो उसके लिए जो है फिर जो है एक दूसरी आजादी की जो है वो लड़ाई
लड़ाई लड़नी पड़ेगी उन नेताओं को जिसके लिए जो है ये G3 जो है उन्होंने जो कहा, जिसको गांधी 23 जो है वो नाम देके वो उन्होंने पोस्ट में कहा। जी शुक्रिया राजू आपका, ब्रह्म प्रकाश आपका। आपसे थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। देखना यह है कि जो वरिष्ठ नेता है 23 नेता, इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टी बदलाव की ओर आगे बढ़ती है या फिर इनकी मांगों को सिरे से दरकिनार कर दिया जाता है। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हूं। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।